तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट में है वो है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। इनके दो नाम हैं, या तो इसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाता है या फिर इसे हम इन्फॉर्मेशन सर्च प्रोसेस भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं, जो उन्हें एक्चुअली जानना होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं तो वो वाली जो प्रक्रिया चलती है उसको हम ये कहते हैं। देखिए इसने क्या बोला, इट इज़ ऑफन यूजफुल टू व्यू कंज्यूमर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हु यूज़ इन्फॉर्मेशन टू सेटिस्फाई देयर कंजम्पशन गोल। यूजफुल व्यू टू कंज्यूमर, जो जो चीज़ें कंज्यूमर को हमें बताना होती हैं, जो जो व्यूज़ हमें उनको देने होते हैं कि ये चीज़ ऐसी ऐसी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर के लिए ज़रूरी होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में जाने, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनके कंजम्पशन गोल यानी कि जो वो ख़रीदते हैं जो भी चीज़, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जो भी उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए, तो ये पूरा किया जाता है। कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैं भी थॉट ऑफ एज द एक्विजिशन ऑफ स्टिमुलस इनपुट, द मैनिपुलेशन ऑफ दीज इनपुट टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम देम, द यूज़ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये जो इन्फॉर्मेशन होता है इसका क्या काम होता है, देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि सूचना देने की जो प्रक्रिया होती है वो, इसमें क्या बोल रहे हैं वो, एज द एक्विजिशन ऑफ स्टिमुलस इनपुट। स्टिमुलस कौन, जो कंज्यूमर जो होते हैं जो सवाल वगैरह करते हैं, तो उनके सवाल के जवाब देने के लिए जो पर्सन होता है जो उनके थॉट्स को क्या करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि अपनी बात से वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो बताकर प्रभावित करता है, तो वो स्टिमुलस होता है। जो एक्विजिशन यानी कि उन चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी वगैरह उनको जिस तरीके से भी दी जाती है वो, और उनको क्या करता है, इनपुट देके उनको मैनिपुलेशन करता है, डराइव मीनिंग फ्रॉम देम, उनको उस चीज़ जो भी वो चीज़ वो परचेस करने वाले हैं उस चीज़ का एक्चुअली में मीनिंग बताता है, अर्थ बताता है, उसका यूज़ बताता है, उसकी इन्फॉर्मेशन बताता है, जो भी प्रोडक्ट वो या सर्विस वो लेने वाले होते हैं उसकी। अब इसमें जो फाइव वेज हैं विच कंज्यूमर यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, जो कंज्यूमर होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पाँच तरीके होते हैं कंज्यूमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी है वो बताने के लिए। तो देखिए वो क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, समझे जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको समझे, उसको इवेल्यूएट करे यानी कि उसका मूल्यांकन करे, फिर टू अटेम्प्ट टू जस्टिफाई प्रीवियस प्रोडक्ट चॉइस, फिर जो उन्होंने पहले जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे जो उनके चॉइस में था उसको और इसको क्या करें, जस्टिफाई करें, कंपेयर करके कर सकते हैं, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बाइंग और पोस्टपोनिंग परचेस, तो जो विवाद में वो पड़े हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ चलती है कि उनको वो चीज़ ख़रीदना चाहिए या उस चीज़ के लिए जो भी वो परचेस करने वाले हैं उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए कि मतलब वो बाद में ख़रीदेंगे, टू सेटिस्फाई द नीड फॉर बीइंग इन्फॉर्म्ड, कौन सी नीड को संतुष्ट करना है, बीइंग इन्फॉर्म्ड वाली अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो उनकी ज़रूरत है उस आवश्यकता को सेटिस्फाई करना, फिर टू सर्व एज रिमाइंडर टू परचेस प्रोडक्ट, उनको किस तरीके से सर्व करना कि उनको रिमाइंड करना है कराना है कि वो अपना प्रोडक्ट परचेस करने वाले थे, दैट मस्ट बी रेगुलरली रिप्लेनिश्ड, जो कि जो भी उन्होंने प्लान किया था उसको उनको याद दिलाना होता है कि आप ये प्रोडक्ट क्या करने वाले थे, परचेस करने वाले थे सब। देखिए एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक एग्जांपल है, जो हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं जो भी चीज़ हम परचेस करने वाले होते हैं, आजकल बहुत फास्ट ज़माना है तो हम लोग जाने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा नेट सर्फिंग करके रेट का एक अजम्पशन हम अनुमान लगा लेते हैं कि इतना इतना हमारा बजट होना चाहिए हमें अगर ये चीज़ परचेस करना है। इसी तरीके से मैंने एक स्कूटी के लिए सर्च किया था, टी वी एस जुपिटर के लिए, तो क्या हुआ था ना, उसमें उन्होंने एक फॉर्म दिया था, फॉर्म ऐसा दिया था कि उसमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मेरी थी, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, नाम, ये चीज़ मुझे उनको बताना था और किस एरिया में मैं रहती हूँ, मतलब कौन से रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वो चीज़ मैंने उसमें फिल कर दी थी। तो इससे क्या हुआ था, अब वो चीज़ उनको पता चल गई, फिर वो अब हर थोड़े दिन में फ़ोन लगा के मुझे रिमाइंड कराते हैं कि आपने ये चीज़ के लिए पूछा था, आप रतलाम के निवासी हैं तो आपके आसपास कौन सा टी वी एस शोरूम है, अगर आपने परचेस कर लिया है तो कहाँ से कर लिया है, अगर नहीं करा है तो बहुत अच्छी व्हीकल है, इससे रिलेटेड आपको और क्या जानकारी चाहिए, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड या जो भी पूरी मेरी क्वेरीज थी उन्होंने उसको क्या करा, सुना
उसके आंसर्स दिए मुझे, और मुझे वो रिमाइंड कराने के लिए उन्होंने 2-3 कॉल भी करे कि आपने गाड़ी ली है या नहीं ली है, ले ली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ली है, अगर नहीं ली है तो वो रिमाइंड करा रहे हैं कि आपके रतलाम में कितने शोरूम हैं जहाँ से आप TVS Jupiter परचेस कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का फ्रेमवर्क है यानी कि जो ढांचा है वो क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, स्ट्यूमिली। जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन देने के लिए ये इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर एक्विजिशन, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों को क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप जो काम होता है वो चल रहा होता है। फिर परसेप्चुअल इनकोडिंग, कस्टमर को क्या करते हैं वो, जैसे कि देखिए हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा है ना, सेंडर होता है, इनकोडिंग होती है, फिर मैसेज होता है, फिर डिकोडिंग होती है। तो इस तरीके से वो इनकोड करते हैं, उनको समझाने की उस चीज़ की कोशिश करते हैं। फिर इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि कस्टमर की जो भी दिक्कतें होती हैं उसको ओवरकम करने के लिए वो फाइनल, उनको जो भी प्रोसेस रहती है, उनकी जो भी प्रक्रिया रहती है, वो फाइनली कस्टमर को क्या करते हैं, हर चीज़ उससे रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं, बता देते हैं सारी चीज़ें। फिर एक आउटकम निकल के आता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड रहती हैं, सबसे पहले तो एक्विजिशन एंड परसेप्चुअल इनकोडिंग सेंसेशन से, यानी कि वो किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ के लिए वो जानना चाहते हैं, कि जो चीज़ के लिए वो इंटरेस्टेड है वो एक्चुअली में किस तरीके से वो परचेस कर सकते हैं, कब तक चलेगी, ड्यूरेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें। फिर उससे रिलेटेड उनके इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। ये पूरा जो है ये आपका एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है, जो परसेप्चुअल इनकोडिंग होती है और इंटीग्रेशन होता है, इसके बीच में होता है। यहाँ पर परसेप्चुअल इनकोडिंग यानी कि जो इनकोडिंग हो गई है, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हो गया है, फिर ये वाली चीज़ भी उन तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक्विजिशन से भी परसेप्चुअल इनकोड करता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं उनको, उन्होंने जिस चीज़ के लिए जो अनुमान लगाया था उसमें से कितना क्या परसेंट सही है या गलत है ये। फिर उसके बाद ये पूरा जो है ये पूरा कनेक्टेड रहता है। एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो होता है ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम जो उनकी इंफॉर्मेशन सर्च वो करना चाह रहे हैं, उनके लिए उनके जो भी थॉट्स वगैरह थे, हो सकता है पॉजिटिव भी हों, हो सकता है नेगेटिव भी हों, तो ये क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को क्लियर करते हैं, तब जाके क्या निकल के आता है, एक आउटकम। अब यहाँ ये वाला जो पोर्शन होता है कौन सा होता है, कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन, जो एक बायर हम कह सकते हैं, जो ख़रीदार होता है किसी चीज़ का, वो ये क्वेरीज या ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको देनी होती है, उनके मन में जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो भी किसी भी चीज़ को लेके अराइज़ होते हैं, उस चीज़ के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये पूरी प्रोसेस होती है। फिर यहाँ होता है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारी परिस्थिति देख के हम ख़रीदना पसंद करते हैं। देखिए किसी, कुछ लोग जो बीमार पड़ते हैं तो किसी को भी दवाइयाँ खाने का शौक नहीं होता है, वो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक हमें परिस्थिति के हिसाब से लेना पड़ता है। किसी के फैमिली में कोई डेथ हो गई तो किसी को भी शौक नहीं होता ऐसी चीज़ें लेने का, वो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसमें हम एक एग्जाम्पल लें शादी वगैरह का भी, तो देखिए सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं परचेस करना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी हमें हमारे कल्चर, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे ट्रेंड्स ट्रेडिशंस हैं, वो चीज़ों को फॉलो करके भी लेनी पड़ती है। कुछ कोई सी मशीन हमारे घर में ख़राब हो गई जिसकी हमें अर्जेंट नीड है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो, तो ये चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि भाई हमें अर्जेंट नीड है तो हम उसको लेंगे। तो ये जो पूरी आपकी प्रोसेस थी यही थी कि जो कस्टमर कंज्यूमर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उनके सवाल वगैरह होते हैं, वो इस प्रोसेस में रहते हैं, एक्विजिशन करते हैं, हम उसका एक्वायर करते हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनका परसेप्चुअल इनकोडिंग रहता है उसको क्या करते हैं हम, यानी कि इनकोड, यानी कि उनको उन्हीं की लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, फाइनली हम उनको उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो भी वो चाहते हैं, फिर ये कनेक्टिविटी होती है, फाइनली जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो है आउटकम निकल के आता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, ये है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। ये अगर आप डायग्राम एग्जाम में बना के आते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे और भी फैक्टर्स वगैरह हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस